ओम शांति। अभी तुम पढ़कर होशियार हुए हो तो बिल्कुल सहज रीति समझा सकते हो, है ना? बाबा कहते आप अब बच्चे इतने होशियार हो गए हो कि अब अगर आप नयों को समझाओगे ना तो बहुत सिंपल, बहुत ऐसे सहज तरीके से समझा सकते हो, क्योंकि ज्ञान का इतना विस्तार हो चुका है, इतना डिटेल में बाबा ने समझानी दे दी है कि अब कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे ये बात नहीं समझ में आई या मुझे ये पॉइंट क्लियर नहीं है। हर बात बाबा ने स्पष्ट कर दी है, हर एक पॉइंट जो है उसका अर्थ आप जानते हो, सब कुछ जानते हो। इस समय एक मुरली पढ़ ली, माना आपने सिर्फ और सिर्फ मुरली पढ़ ली, आप सब बातों को अच्छे से जान जाएंगे, चाहे वो कोई धर्म हो, चाहे कोई शास्त्र हो, चाहे कोई ग्रंथ हो, चाहे कोई श्लोक हो, सब कुछ वंडरफुल ज्ञान है। आपको एक एक बात का अर्थ पता है। अभी आप वो वाले ऐसे ऐसे श्लोक नहीं बोलोगे क्योंकि आपको तो अर्थ पता है। और जैसे अव्यक्त महावाक्य, अभी बाबा ने क्या कहा कि आप उसका स्वरूप बनते हो, जो जो स्मृतियां हैं उनका स्वरूप बनते हो, तो वो आप बड़े सहजता से वो सब चीजें अडॉप्ट कर जाते हो, आपको मेहनत नहीं लगती है। आपकी मेहनत खत्म ही यहीं से हुई है कि आपको समझ ही कुछ ज्यादा ही मिल गई है। अब इतनी ज्यादा समझ लेके आप कितने समझदार बन गए। अब ये सारे शब्द नहीं है, अगर आप इनको जियोगे तो आपका जीवन एकदम सुखमय हो जाएगा। ऐसा नहीं कि परिस्थिति नहीं आएगी, आएगी, उसके बाद जो सुख फील होगा वो तो आप ही को होगा ना। ये थोड़ा कि कुछ होगा नहीं, सर्दी गर्मी ये कुछ नहीं आएगा। तो जब गर्मी आती है सर्दी का आनंद तभी लेते हो, और फिर जब सर्दी ज़्यादा आ जाती है तो कहते हैं चलो अभी गर्मी आ जानी चाहिए। फिर हर चीज़ का एक बैलेंस बना हुआ है, प्रकृति का भी बैलेंस बना हुआ है, आपके जीवन का भी पूरा बैलेंस बना हुआ। ऐसे नहीं समझना ये बहुत पुराने बच्चे हैं इसीलिए हमसे होशियार है, हम तो इतना पढ़ नहीं सकेंगे। बाबा कहते हैं पिछाड़ी में आने वाले बहुत आगे जा सकते हैं। बताओ क्यों? क्योंकि सब कुछ स्पष्ट है और जो बाबा कहे वो करते चलो। अगर याद की यात्रा आप पुराणों से जास्ती करते हो तो नेचुरली आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ जाएगा, ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी। तो बाबा कहते हैं आप पुराणों से भी आगे जा सकते हो, होशियार हो सकते हो। अगर आपका फालतू की बातों में, जन्म हुई जग हुई में कोई ध्यान नहीं है ना, तो आप पुराणों से भी आगे जा सकते हो, होशियार हो सकते हो। देरी से आने वाले और ही दिन रात योग में मस्त ओलग पड़ेंगे, क्योंकि उनको ये लगेगा कि हम ना लेट हो गए, इसलिए वो जास्ती मेहनत करेंगे। वो फालतू की जर्म हुई जग हुई इसका उसका उसमें नहीं जाते हैं। और जो नए आते हैं वो अगर जाते हैं तो फिर वो पुराणों से भी बहुत पिछड़ी होते हैं। लेकिन कोई ये ना सोचे कि मैं तो अभी अभी आया आगे नहीं जा सकता। जा सकते हैं अगर वो दिन रात मेहनत करे तो, माना योग में जास्ती रहे तो। ओके, ओम शांति।